सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ 1945 में, जिसके बाद वर्ल्ड में शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की, जिसे आइडियोलॉजिकल वॉर भी कहा जा सकता है, क्योंकि 1945 के बाद वर्ल्ड बायपोलर हो चुका था। मींस वर्ल्ड में अब पावर के दो बड़े सेंटर थे, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए जो प्रमोट करता था आइडियोलॉजी लाइक कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर सोशलिज्म। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ 1985 के बाद, जब मिखाइल गॉर्बचेव यूएसएसआर के लीडर बने। 1985 के बाद एक के बाद एक ऐसे कई इवेंट्स हुए जिससे सोवियत यूनियन टूटने लगा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था 1989 में बर्लिन वॉल का टूटना और जर्मनी का यूनिफाइड होना। कई थिंकर्स का तो ये भी कहना था कि मिखाइल गॉर्बचेव ही सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पर क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिखाइल गॉर्बचेव के आने के बाद कैसे यूएसएसआर ने डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया और कैसे शुरुआत हुई यूनिपोलर वर्ल्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं। मिखाइल गॉर्बचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। 1917 में रशिया में हुए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद 1922 में वर्ल्ड का पहला सोशलिस्ट स्टेट बनाया गया, जिसका नाम था यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये ग्रुप था 15 कंट्रीज का, जिसमें शामिल थी ये सभी कंट्रीज। 1945 के बाद यूरोप दो हिस्सों में बढ़ चुका था। यूरोप के ईस्ट वाले हिस्से पर कंट्रोल था यूएसएसआर का, जबकि वेस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल था यूएसए का। यूएसएसआर बेस्ड था सोशलिज्म के आइडियल्स पर। ये सिस्टम किस तरह रन करता था, इसे जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाने वाले लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। 1924 में लेनिन की डेथ के बाद यूएसएसआर को हेड किया स्टालिन ने, जिनकी पॉलिसीज काफी ज्यादा रिप्रेसिव थी। उन्होंने यूएसएसआर में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर का कल्टिवाइजेशन शुरू किया, बट उनकी इन पॉलिसीज से ना तो वर्कर्स खुश थे और ना ही पीजेंट्स। बट स्टालिन के रूल में अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन थे। 1953 में उनकी डेथ के बाद आए निकिता खुश्चेव, जिन्होंने सोवियत यूनियन को 1953 से 1964 तक लीड किया। उन्होंने स्टालिन की लीडरशिप को डिनाउंस करते हुए 1956 में कई रिफॉर्म्स भी किए। उन्हीं के टाइम पर हमें 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखने को मिलता है। देन उनके बाद आए लियोनिड ब्रेजनेव, जिन्होंने सोवियत यूनियन को 1964 से 1982 तक हेड किया। इन्हीं के टाइम पर सोवियत यूनियन 1979 में अफगानिस्तान को इन्वेड करता है। अब फाइनली आते हैं मिखाइल गॉर्बचेव, जो 1985 में सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, 1945 के बाद सोवियत यूनियन की इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी ज्यादा डेवलप थी, एक्सेप्ट यूएसए। बट कई रीजंस की वजह से 1970 आते आते इनकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट होने लगी, जिससे इनका इम्पोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया। अब इन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए मिखाइल गॉर्बचेव ने इस कम्युनिस्ट सिस्टम में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने शुरू किए, जैसे कि प्रेस्ट्रॉयका मींस रीस्ट्रक्चरिंग। इसके जरिए गॉर्बचेव सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे, जबकि ग्लासनोस्ट, जिसका मीनिंग है ओपननेस, इसके जरिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे। बट इन रिफॉर्म्स की जरूरत क्या थी? वो इसलिए क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा आर्म्स पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया, जिससे यूएसए तो नहीं बट यूएसएसआर की इकोनॉमी को गहरा धक्का लगा, जिससे यूएसएसआर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्ट से काफी पीछे जा चुका था। गॉर्बचेव के अकॉर्डिंग यूएसएसआर को आगे ले जाने के लिए इन रिफॉर्म्स को करना बेहद जरूरी था। उनके इस डिसीजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो सोवियत का पार्ट हुआ करती थी, वो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी। अब तक पास्ट में यूएसएसआर में जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुआ करते थे, उन्हें सुप्रेस कर दिया जाता था, बट गॉर्बचेव ने ऐसा नहीं किया। ना ही उन्होंने इन प्रोटेस्ट को सुप्रेस किया और ना ही इसमें इंटरवीन किया। इसके अलावा इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटाइजेशन से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही कई लीडर्स ने उन्हें अपोज करना शुरू कर दिया। अब जब कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ही मिखाइल गॉर्बचेव को अपोज करने लगे, जैसे कि बोरिस येल्सिन, जिन्हें गॉर्बचेव ने मॉस्को का मेयर बनाया था, अब वही उनके अगेंस्ट हो चुके थे। बोरिस येल्सिन खुद को कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लेते हैं। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स ने उनके अगेंस्ट कू कर दिया। इस कू के जरिए इन लीडर्स ने गॉर्बचेव को हटाकर पावर को सीज करने की कोशिश की, बट द क्वेश्चन इज, क्या ये कू सक्सेसफुल रहा?
तो आंसर है नहीं, क्योंकि 1985 से 1989 तक एक के बाद एक कई ऐसे इवेंट हुए जिससे लोग अब फ्रीडम को टेस्ट कर चुके थे। इन इवेंट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था 1989 में बर्लिन वॉल को गिराना, जिसके बाद जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया गया जो ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ था। बर्लिन वॉल को बिल्ड किया गया था 1961 में। अब लोग फ्रीडम जैसी वैल्यू को टेस्ट कर चुके थे, इसलिए अब वो ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट पार्टी का रूल नहीं चाहते थे जो लोगों को फ्रीडम नहीं दिया करती थी। इस कू का सक्सेसफुल ना होने का रीजन बोरिस येल्सिन भी रहे, क्योंकि इस कू को उनके द्वारा अपोज किया गया जिससे वो नेशनल हीरो बन गए। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद येल्सिन इलेक्शन जीतकर रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, बट इन प्रोटेस्ट का यूएसएसआर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? यूएसएसआर में चल रहे प्रोटेस्ट से अब सोवियत यूनियन की सेंट्रलाइज्ड पावर कम होना शुरू हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये था कि अब यूरोपियनाइज्ड पार्ट खुद को सोवियत यूनियन से अलग कर सोवरियन स्टेट बनाने लगे। मींस अब इन स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होगी जिसके पास खुद के डिसीजन लेने की पावर होगी, बट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जिसमें शामिल थे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। मींस वो खुद को सोवियत यूनियन से अलग नहीं करना चाहते थे। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई ऐसी प्रोमिनेंट लीडरशिप नहीं थी जो डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस से इन्फ्लुएंस हो। इन कंट्रीज ने अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए सोवियत यूनियन का पार्ट बने रहना ज्यादा जरूरी समझा। बट दिसंबर 1991 में येल्सिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये थ्री मेजर रिपब्लिक डिक्लेयर करते हैं कि सोवियत यूनियन डिस्बैंड होता है और सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है। इस डिसइंटीग्रेशन के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को, और इसी के साथ एंड होता है बायोपोलर वर्ल्ड का, क्योंकि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने का मतलब था सोशलिस्ट सिस्टम का फेल होना। यहाँ जीत होती है कैपिटलिस्ट मॉडल की जो प्रमोट करता था यूएसए, और अब 1991 के बाद वर्ल्ड बनता है यूनिपोलर, जहां वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर थी जिसका नाम था यूएसए। बट इस दिसंबर में साइन हुए डिक्लेरेशन में और क्या था? इस डिक्लेरेशन में सोवियत यूनियन के डिस्बैंड को तो डिक्लेयर किया गया, बट साथ में ये भी डिक्लेयर किया गया कि अब फॉर्मेशन होगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का, जिसे शॉर्ट में CIS कहा गया, जिसे बनाया गया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। बट ये नया ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। पर क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने से पहले इन कंट्रीज के लीडर से कोई डिस्कशन नहीं किया गया और इन्हें इससे बाहर रखा गया। लेकिन इस इशू को सॉल्व करने के लिए इन कंट्रीज को इसका फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया, बट ईस्ट यूरोप के बहुत से कंट्रीज ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया। डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया को यूएसएसआर के सक्सेसर के रूप में एक्सेप्ट किया गया। मीन्स यूएसएसआर जो कि एक सेंट्रल पावर था, उसकी पोजिशन को अब रशिया संभालेगा, जिससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट जो अब तक यूएसएसआर के पास थी, अब वो रशिया के पास आ गई। यूएसएसआर ने जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स को साइन किया था, अब उन्हें रशिया फॉलो करेगा। यूएसएसआर जो न्यूक्लियर पावर को हासिल कर चुका था, जिसमें शामिल थे 15 कंट्रीज, अब इन 15 में से सिर्फ रशिया था जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी। अब हम कह सकते हैं कि ओल्ड सोवियत यूनियन अब डेड और बरीड हो चुका था, बट अभी भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या केवल मिखाइल गोर्बाचेव ही इस डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे या कई और रीजंस भी थे, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।